ये उनके जो भाषण हैं चुनाव में वो यही है, चौकीदार चोर है। और अनिल अंबानी की जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। मैंने कभी सुना 1,30,000 करोड़, कभी सुना 40,000 करोड़, कभी सुना 80,000 करोड़। इतने आंकड़े बोलते गए हैं, पता नहीं अब वो कौन से वाला सही माने कौन से वाला गलत माने को समझ नहीं आ रहा है जी। एक आंकड़ा हमारे पास में है, वो मैं आपको वीडियो पे सुनाना चाहता हूँ। गुजरात के एक उद्योगपति को आपने कितनी जमीन दी, ये आप सुनिए, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 45,000 करोड़ एकड़ आपसे छीनकर मुंद्रा में एक उद्योगपति को देते हैं। मोदी जी की जमीन नहीं थी, गुजरात के किसानों की, गुजरात के गरीब लोगों की, गुजरात के आदिवासियों की जमीन थी। इन दिनों मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है। और कहते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों के लोग उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है कि जो एवेंजर फिल्म वाला स्क्रिप्ट राइटर होगा ना, उसने जब दुनिया के ब्रह्मांड के सभी लोग की साइज क्या है वो अपने स्क्रिप्ट के लिए शायद लिखा होगा आंकड़ा, वो शायद इनकी टोली में आ गया होगा। उनका एक नया 70,000 रुपए सालाना देंगे गरीबों को। उनके गुरु को मीडिया वालों ने पूछा तो गुरु ने कहा कि मिडिल क्लास सेल्फिश हैं, मिडिल क्लास स्वार्थी हैं, हम मिडिल क्लास पर टैक्स लगाएंगे, मिडिल क्लास से पैसे निकालेंगे और उस पैसों से हम ये योजनाएं चलाएंगे। तो उनके जो गुरु है उन्होंने तो मिडिल क्लास को कैसे खत्म कर देंगे उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बना करके रखी है जी। और वो 72,000 रुपए जब हम पूछते हैं कहाँ से लाएंगे तो वो कहते हैं कि जो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी ये जो पैसा लेके भाग गए हैं उनसे पैसा लेके वो लोगों को दे देंगे। लेकिन परेशान तो वो भी हैं जो भागे। विजय माल्या कह रहे हैं कि मैंने 9,000 करोड़ रुपए लिए थे, मोदी जी ने 13,000 की मेरी संपत्ति जब्त कर दी तो भी नहीं छोड़ रहे। मैंने कानून बनाए हैं, कोई बच नहीं पाएगा, जो लूटा है देश का पाई पाई देना पड़ेगा और विदेशों में भी जेल में जाकर के रहना पड़ेगा, उनको यहाँ आना भी पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। और मिलकर जब्त की है, ऑक्शन करते चले जा रहे हैं, रुपये जमा होते जा रहे हैं, बैंकों को मिलते चले जा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है जी। इसीलिए आपके लिए कहा है चोर कांपे चमचे कांपे, चोर कांपे चमचे कांपे, कांपे हर गद्दार, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है मैं भी चौकीदार। आजादी के 75 साल हमारे सामने हैं और हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में यही भाव जग गया मैं भी चौकीदार। तो इस दुनिया को, ये दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत सर्वोपरि बन रहा है।